दोस्तों आपको डायबिटीज़ है और आपको ही पता नहीं ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 70% जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी कुछ 30% लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं उसमें आता है ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा थकान रहती है, ज़्यादा भूख लगती है, यूरिन को बार बार जाना पड़ता है। इसके अलावा जो धुंधला दिखाई देता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, घाव जल्दी भरते नहीं हैं, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये ओनली 30% लोगों में दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तब शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें साल में एक बार ज़रूर शुगर की जांच कर लेनी चाहिए, और इससे हमें शुगर लेवल्स के बारे में पता चलेगा। अगर ये शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन है और हमने एक्सरसाइज की, अच्छा डाइट किया, तो आगे चल के जो डायबिटीज़ होगा उनसे हम खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों साल में एक बार ज़रूर शुगर की जांच कीजिए, और आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है, आप आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो आपको डायबिटीज़ से बचा सकते हैं, या अर्ली डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ में जो ब्लड की जाँच की जाती है उसमें एक है फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब खाली पेट शुगर की जाँच करना। रात भर फास्टिंग के बाद सवेरे जो है आपकी ब्लड की टेस्ट की जाती है, और इसमें शुगर लेवल अगर 70 से 100 के बीच में है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, और ये लेवल्स अगर 100 और 125 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज स्टेज में हैं, मतलब अभी आगे जाके आपको कभी भी डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर आपकी जो खाली पेट की शुगर 126 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये डायबिटीज़ हो चुका है, ठीक है। अभी जो दूसरी टेस्ट की जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, ये है HbA1c, और ये काफ़ी अच्छी टेस्ट है, क्योंकि पिछले 3 महीने के शुगर्स लेवल की हमें आइडिया आ जाती है। तो कभी क्या है, एक आध बार आपकी शुगर लेवल्स बढ़ी हुई आ सकती है ऑकेजनली, लेकिन अगर हम HbA1c करते हैं तो हमको पिछले 3 महीने में हमारी शुगर की लेवल्स क्या थी इसकी जानकारी मिलती है। अगर ये HbA1c लेवल आपकी 4 से 5.7 के बीच में है तो मतलब ये नॉर्मल है। आपकी HbA1c लेवल 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक फेज़ है। प्री डायबिटिक फेज़ मतलब ये कभी भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं ये लोग। और जिनकी लेवल्स 6.4 से ज़्यादा आती है HbA1c की, इसका मतलब है कि इन लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी की जाती है, या जैसे खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर की जाती है, या दूसरा क्या किया जाता है कि ये जो पेशेंट्स हैं इनको शुगर सॉल्यूशन पीने को दिया जाता है, ठीक है, और ये पीने के बाद 2 घंटे बाद इनकी शुगर की जांच की जाती है। तो इसके बाद 2 घंटे बाद अगर ये शुगर की लेवल 140 से नीचे आए तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। ये शुगर की लेवल 140 से 200 के बीच में है तो मतलब ये प्री डायबिटिक स्टेज में है, और 200 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये डायबिटीज़ हो चुका है, ठीक है। अभी रैंडम ब्लड टेस्ट भी की जाती है, मतलब आपने खाना खाया है नहीं खाया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो टेस्ट की जाती है उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, ठीक है। अगर रैंडम ब्लड शुगर आपकी 200 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि ये डायबिटीज़ है। तो दोस्तों आपके शुगर लेवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 30 से 40% लोग अभी डायबिटीज़ से परेशान है, डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी शुगर लेवल्स आपको पता होंगी और जल्दी आप आपके डाइट में, आपके खान पान में बदलाव करें, डेली कसरत करें, तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना न भूलें। धन्यवाद।